हेलो फ्रेंड्स, आपको फिर से हम आगे जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। चलिए आगे की बातों पे आते हैं। हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताने वाले थे। पास्ट टेंस के विषय में हम बताते हैं। पास्ट टेंस का अर्थ क्या होता है? भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो कार्य पहले हो चुका है। तो भूतकाल के भी चार पार्ट्स हैं। प्रेजेंट, जैसे होता था इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। तो पास्ट की बात करते हैं, पास्ट पे आते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले की वीडियो में हमने बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब इसके बारे में हमने जानकारी आपको दे दी है, तो अब हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे आते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ती थी, तू थे आदि शब्द आते हैं और आ ई ए भी आते हैं। अब हम इसका अनुवाद करने का अलग रूल हमने बताया था, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव रूल अलग होते हैं। तो इसमें हम अनुवाद का एक भाग लेते हैं। इसमें अनुवाद करते समय हम पहले देखते हैं कि हमारा कर्ता कैसा है। हमारा कर्ता कैसा भी हो, हमारा कर्ता कैसा भी हो, हम अनुवाद लगभग एक ही तरह करते हैं। जैसे मैंने एक शेर देखा, मैंने एक शेर देखा, तो हमने अभी कहा था कि कर्ता चाहे जो हो, हम वर्ब किस दिखाते ना हमन। झोरावा कहाँ रखे हो? हमका तो दिया बना भाई समय हमका लगा दी थी ना, पूजा करे चली गए रहन। हमसे जो कहो कि पुरान गड्डी दे दियो, तो हम कहन कि लियो झोला में, हम देखियो ना ना गिन लियो, तो सब अपना गिने, हम चली गए रहन पूजा करे। वह कहा थी कि तू एक गड्डी दे रही हो, हम कहा थे हम कि पुरान की नहीं की, हम सब झोरा दे दे रहन, खोल के देखियो ना रहन। आलमारी तो ना
खुशबू ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರು ಪಹಲೆ ಲೈನ್ ಮಧರು ಕೇನಿ ಕದ ಕರೆ ಈಗ ಧರು ಗೋಲು ಕಸಾಯಿ ಕರಳನ್ ಸುಸ್ ಬಂದ ಮನಿ ಉತ ಇದೆ ರೂಮ್ ಉಗದಂ ದೇಖ್ಲಿ ಕಬಳ ಉಗಳ ನೀಚೆ ದೇಖ್ಲಿ ಹೋ ಸಾಬತ ಕಾಯ್ ಬಂದ ಕದ ನಾ ಹೋ ಸಾಬತ ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಆ ಕಾ ಎಸಿ ಬಂದ ಕದ